छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में राजीव युवा मितान सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोगों की भारी भीड़ जुटी। ये जन सैलाब देखकर बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ गई है। वहीं राहुल गांधी ने अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्ते पर सवाल उठाया है। राहुल ने कहा कि बीजेपी हर जगह अडानी की सरकार चलाती है, लेकिन कांग्रेस गरीबों के लिए सरकार चलाती है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार गरीबों की होगी, ना कि अडानी की। साफ करना चाहता हूं, बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। नाम आप जानते हो, कुछ ही दिन पहले दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल अखबारों में अदानी जी के बारे में कहानी आई, आर्टिकल छपा। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में लिखा था, अदानी जी जो नरेंद्र मोदी जी के करीब हैं, उन्होंने हिंदुस्तान से हजारों करोड़ रुपया बाहर देशों में भेजा और उस पैसे से स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स की का दाम बढ़ाया और उस पैसे से अदानी जी आपकी जो पूंजी है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके जो एयरपोर्ट हैं, सुना है अब रेलवे स्टेशन भी उनको दिए जाएंगे। पूरा का पूरा एक व्यक्ति के हवाले किया जा रहा है। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, हिमाचल की हो, और जो अभी आने वाली है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये सारी की सारी सरकारें गरीबों की सरकारें होंगी, अदानी की सरकारें नहीं होंगी। और प्रधानमंत्री को साफ कहना चाहिए, देश को बताना चाहिए और छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताना चाहिए कि वो अदानी जी पर इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि नरेंद्र मोदी जी अदानी जी पर इंक्वायरी नहीं करा सकते हैं? 2-3 सवाल है भाई और बहनों, युवाओं, ये जो हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर गया, ये पैसा किसका था? पहला सवाल, ये अदानी जी का पैसा नहीं था, ये किसी और का पैसा था, किसका पैसा था? ये पहला सवाल है। प्रधानमंत्री जी कोई इंक्वायरी नहीं करवाएंगे, मैं आपको। वहीं राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों को धान की सबसे ज्यादा कीमत दी गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं को राजनीति में भागीदारी देना चाहती है, इसलिए क्लब बनाकर 3 लाख युवाओं को जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में किसानों को धान के लिए सही दाम दिया और आज आप सारे प्रदेशों को देख लीजिए, लिस्ट निकालिए, सवाल पूछिए, धान के लिए सबसे ज्यादा पैसा कौन से स्टेट में मिलता है? जवाब मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और प्रधानमंत्री जी यहां आए थे, मुझे याद है, बीजेपी के सब नेता आए थे और कहा था कि कांग्रेस पार्टी इस वायदे को पूरा नहीं कर सकती है। कहा था पैसा नहीं है, हमने साफ दिखा दिया पैसा है और वायदा पूरा हमने कर दिया। जहां भी हम जाते हैं हम झूठे वायदे नहीं करते। 15 लाख रुपए का वायदा हम नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था काला धन वापस आएगा,
15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे, उल्टा हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है। इंटरनेशनल अखबार कह रहे हैं कोई इंक्वायरी नहीं। तो अब छत्तीसगढ़ के युवा जो हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम चाहते हैं कि आप प्रदेश को चलाने में, राजनीति को चलाने में आगे आए। आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। आपकी जो नई जनरेशन है, भविष्य आपका है, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ आपका है और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए हमने राजीव युवा क्लब आपके लिए बनाए हैं। हर क्लब को 1 लाख रुपए, 3 लाख युवाओं को क्लब में हमने जोड़ा है। और ये ऐसे नहीं जोड़ा है, मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, हमने इसलिए जोड़ा है कि आप इस प्रदेश को चलाने में, इस प्रदेश को चलाने में आप भाग लें। और हम आपके लिए राजनीति के दरवाजे खोलना चाहते हैं कि कुछ ही सालों में आपके बीच में से छत्तीसगढ़ के एमएलए, प्रधान, नेता चुन के आए। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन यहां कांग्रेस हर मोर्चे पर बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यू वाइफ नेटवर्क।